फाइव वर्ट का साउंड सिस्टम के लिए ये जो बोर्ड है बेस्ट ऑफ बेस्ट है तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूं दीपंगड़ का बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव दीपो चैनल पे तो फिर फिर तो से आकर एक नया वीडियो लेके तो फिर देख सकते हैं आज इस वीडियो में ये जो बोर्ड है इसके ऊपर बात करने वाला है फुल वायरिंग भी दिखाने वाला है सब कुछ करने वाला है इस वीडियो में तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है जिन जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब और पास में जो बेलाइकन है उसको लगा के ऑल पे सिलेक्ट करो क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है चले फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये जो बोर्ड है एक फाइव वाट का ऑडियो बोर्ड है ऊपर से ब्लूटूथ है सब कुछ है मतलब कॉम्पैक्ट एक बोर्ड है तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है उसके बाद देख लेंगे थियोटिकल किस तरह से इसको कनेक्शन किया जाता है उसके बाद इसको चेक करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक कैचर का है मतलब यहाँ का माइक है माइक का पोर्ट इस पोर्ट में आप एक माइक्रोफोन लगा के आपका आवाज़ को एम्पलीफाई कर सकते हो इस बोट के द्वारा उसके बाद आते हैं यहाँ पे आयर मतलब यहाँ पे एक रिमोट से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो ठीक है जो रिमोट आता है इस एम्पलीफायर के साथ जो रिमोट है उसको भी यूज़ कर सकते हो ऊपर से ए वाला जो रिमोट है इसको भी यूज़ कर सकते हो उसके बाद यहाँ पे आता है यू मतलब जो यू हमारा यू होता है ठीक है यू के द्वारा आप यहाँ पे गाना बजा सकते हो ऊपर की तरफ यहाँ पे टी एफ है देख सकते हो टी एफ टी एफ के मतलब यहाँ पे आप लोग का जो चीफ है मतलब जो टी एफ कार्ड होता है उसके द्वारा भी आप इस बोर्ड के माध्यम से आप गाना बजा सकते हो उसके राइट साइड में देख सकते हो यहाँ पे ए यू एक्स है मतलब ऑक्स केबिल है ऑक्स केबिल के माध्यम से भी आप फोन के द्वारा आप गाना बजा सकते हो नीचे में बहुत सारे की है मतलब यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम का बढ़ाना कमाना ऊपर से पॉज है ठीक है मूड है और इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ है ये यहाँ पर उसके राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे डी सी फाइव वोल्ट है मतलब यहाँ पे जो बैटरी आप लगाओगे ये फ्रेंड्स एक फाइव वोल्ट से चलने वाला एक बोर्ड है तो यहाँ पे क्या है आपको फाइव वोल्ट इनपुट देना होगा जो हमारा चार्जर से आता है ये एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है तो यहाँ पे क्या आप डायरेक्ट आपका जो बैटरी है उसको चार्ज कर सकते हो Uh, उसके साइड में यहाँ पे देख सकते हो तो ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पे ऑफ है अभी इस सेट करोगे तो ऑन हो जाएगा तो एक ऑन ऑफ का बटन है ये जो बोर्ड है ये ब्लूटूथ में भी चलता है ठीक है ऊपर से यहाँ पे एफ भी है मतलब सब कुछ है इस बोर्ड के अंदर सब कुछ क्या नहीं है सब कुछ है और सबसे सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि इससे साथ इसके साथ कोई आप लोग को एक्स्ट्रा एम्पलीफायर मॉड्यूल नहीं लगाना पड़ता है जो दूसरा वाला जो बोर्ड है उसके साथ आप लोग को एम्पलीफायर बोर्ड लगाना पड़ता है लेकिन इसके साथ कोई भी एम्पलीफायर बोर्ड नहीं लगाना पड़ता है बस इसके अंदर सब कुछ है बस बैटरी लगाओ स्पीकर लगाओ बस ख़त्म इसका कनेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आता है किस तरह से कनेक्शन किया जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कनेक्शन कोई बड़ा कनेक्शन नहीं है बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है तो यहाँ पे देख सकते हो पीछे की तरफ आप यहाँ पे बी ए टी लिखा हुआ है ठीक है बी ए टी मतलब बैटरी बैटरी का राइट right साइड वाला यहाँ पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव है अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है मतलब राइट right साइड वाला पॉजिटिव लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव सेम उसी तरह से यहाँ पे एस पी लिखा हुआ है यहाँ पे एस पी एल लिखा हुआ है एक लेफ्ट के लिए एक राइट right के लिए तो एक यहाँ पे डबल चैनल है मतलब दोनों स्पीकर आप एक साथ चला सकते हो तो यहाँ पे एस पी आर एस पी एल है मतलब स्पीकर uh, लेफ्ट और स्पीकर राइट right है एक स्पीकर में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो यहाँ पे सिंपली से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में है ठीक है उसके बाद यहाँ पे एफ एम एंडन आया है मतलब यहाँ पे एक वायर लगा सकते हो एफ एम के लिए ठीक है बस यहाँ पे और कनेक्शन कुछ नहीं है ख़त्म मतलब ये जो कॉम्पैक्ट बोर्ड है बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन के साथ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा मेरे को तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये बोर्ड मैं तो इसके पहले बहुत सारे बोर्ड का रिव्यू किया हु चेक किया हुआ टेस्टिंग किया हु लेकिन फ्रेंड्स ये जो बोर्ड है मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा तो उसके बाद आते हैं अभी प्रैक्टिकली कनेक्शन में तो हम लोग को क्या क्या जरूरत होगा सबसे पहले देख लेंगे सबसे पहले जरूरत होगा एक थ्री पॉइंट का लिथियम थी बैटरी उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दो स्पीकर का जरूरत होगा उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आ, जो बोर्ड है आयर से चलने वाला है मतलब रिमोट का भी जरूरत होगा तो फ्रेंड्स अभी क्या है यहाँ पे सर्किट जो हमारा वायरिंग है इस वायरिंग को कंप्लीट कर लेते हैं आ, तो फ्रेंड देख सकते हैं तो यहाँ पे एक स्पीकर है जो सैमकॉन का है फाइव वाट का है मैक्सिमम और टू पॉइंट फाइव वाट नॉर्मल है और यहाँ पे दूसरा जो स्पीकर है देख सकते हो तो यहाँ पे स्वीटऑन का है जो ट्वेंटी वाट का है ठीक है दोनों स्पीकर ठीक ठाक है और यहाँ पे हमारा जो बैटरी है थ्री पॉइंट वोल्ट लिथियम बैटरी देख सकते हो थ्री पॉइंट वोल्ट लिथियम बैटरी और एक रिमोट है नॉर्मल सी तो चलो फ्रेंड्स अभी जो हमारा कनेक्शन है कनेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने बताया था यहाँ पे देख सकते हो बी ए टी पॉजिटिव और निगेटिव है ये जो बैटरी है इस साइड देख सकते हो पॉजिटिव और इस साइड देख सकते हो नेगेटिव तो सिंपली से पॉजिटिव वाला वायर रेड है और नेगेटिव वाला वायर ब्लैक है तो यहाँ पे नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइड में ब्लैक और पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव के साइड में ये जो रेड वायर है मतलब पॉजिटिव साइड इसको कनेक्शन कर लेंगे ठीक तो है तो चलो इसको कर लेते हैं तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे जो बैटरी का कनेक्शन वो कम्प्लीट हो गया अभी हमारा जो दोनों स्पीकर है इस दोनों स्पीकर को भी यहाँ पे लगाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे स्वीट ऑन का जो 20 वाट का है ये वाला स्पीकर लेंगे यहाँ पे देख सकते हो पॉजिटिव और नेगेटिव है पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए ब्लैक है तो मैं सिंपली से ये जो स्पीकर इस है इसको राइट साइड के लिए यूज करने वाला हूं तो देख सकते हो तो इस बोर्ड में एस पी आर करके लिखा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव तो सिंपली से यहाँ पे इसको कनेक्शन कर लेंगे यहाँ पे नेगेटिव में ब्लैक वायर और पॉजिटिव में रेड वायर तो चलो इसको भी लगा लेते हैं पहला वाला स्पीकर कनेक्शन हो गया अभी दूसरा वाला है दूसरा वाला ये देख सकते हो तो सेम उसी तरह से मैं इस स्पीकर को लेफ्ट साइड के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो सिंपली से यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वायर लगा लेते हैं देख सकते तो यहाँ पे दोनों स्पीकर और हमारा जो बैटरी है कनेक्शन हो चुका है सब बहुत ही सिंपली तरीके से और अभी यहाँ पे देख सकते हो तो एफ एम है तो एफ एम के लिए मैं छोटा सा वायर वाइट कलर का वायर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट है तो सिंपली से इस पॉइंट में हमारा जो एक छोटा सा वायर है इस वायर को यहाँ पे लगा दो तो ये हो गया हमारा एंडना एफ के लिए तो हमारा जो पूरा कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है सिंपली से बहुत ही आसानी से कनेक्शन है कोई भी कर सकता है और ऊपर से यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है आप इस कनेक्टर से भी आप लगा सकते हो कोई बात नहीं आ, तो फ्रेंड्स अभी बाड़ी आते हैं साउंड क्वालिटी को चेक करने के लिए और ऊपर से किस तरह से सब कुछ ऑपरेट करता है किस तरह से मतलब माइक वगैरह सब कुछ किस तरह से ऑन करता है सब कुछ ठीक है तो फ्रेंड सिंपली से ये जो हमारा बोर्ड है इस बोर्ड में यहाँ पे ऑन ऑफ का जो स्विच है इस स्विच को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं Mally. तो देख सकते हो तो जैसे मैं स्विच को ऑन किए हैं यहाँ पर ब्लूटूथ मोड में ऑन हो गया और यहाँ पे देख सकते हो तो एक ब्लू कलर का एलईडी ब्लिंक कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे किस तरह से मूड को चेंज किया जाता है देख सकते हो तो यहाँ पे मूड करके तो इस मूड का जो बटन है इस बटन को प्रेस करके आप नॉर्मली जो मूड uh, है इस uh, पूरा सिस्टम का तो इसको चेंज कर सकते हो ऊपर से ये जो रिमोट है इस रिमोट में भी आप एक मूड का बटन मिलेगा इस मूड का बटन को प्रेस करके इस चेंज कर सकते हो सबसे पहले मैं एक एक करके देखता हूँ कितने सारे मूड है मोड तो सिंपल से यहाँ पे FM मोड में आ गया तो फिर से प्रेस करेंगे AUX mode तो देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे A U X mode में आ गया उसके बाद Bluetooth mode फिर से ब्लूटूथ मोड में आ गया तो यहाँ पे यहाँ पे अभी TF जब ही लगाओगे TF से मतलब जो चिप है उस चिप से गाना बजना स्टार्ट हो गया अभी यहाँ पे mood का बटन को प्रेस करेंगे FM mode AUX mode तो देख सकते हो तो सिंपली से यहाँ पे मूट का बटन और यहाँ पे रिमोट से भी आप चेंज कर सकते हो ठीक है इस तरह से ये जो आ, बोर्ड है इसको चेंज किया जाता है उसके बाद माइक को किस तरह से चेक करते हैं मतलब माइक को किस तरह से इसको काम में लिया जाता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट आप कैचर लगा सकते हो जो माइक आता है देख तो सकते हो स्क्रीन में जो दिखा रहा हो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे वो माइक तो बहुत महंगा आता है तो ये वाला जो हम देख सकते हैं पोर्ट आप लोग को मिल जाएगा दुकान में ठीक है ये माइक पोर्ट से थ्री पॉइंट फाइव एम जैक का पोर्ट तो इस पोर्ट को यहाँ पे लगा दो लगाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली से एक हेडफोन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एक हेडफोन है नॉर्मल सा हेडफोन वायर वाला तो इस हेडफोन को पहले उसके बाद यहाँ पे लगाऊँगा फिर ये जो माइक है हेडफोन का माइक यहाँ पे हेडफोन का माइक है, हाँ है। तो इस हेडफ़ोन का माइक में यहाँ पर मतलब मैं आवाज़ दूँगा तो एम्प्लीफाई होगा हेलो 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 तो देख सकते तो सुन सकते हो तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे जो बोर्ड का साउंड है इसको मैक्सिमम कर लेते हैं देख सकते तो जैसे मैक्सिमम हो गया यहाँ पे बीप कर रहे तो अभी मैं यहाँ पे जो uh, माइक है इस माइक में यहाँ पे रहता हूँ और मैं बोलता हूँ हेलो 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 जो जो देख रहे हो हेलो 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 तो फ्रेंड देख सको तो बहुत ही अच्छा तरह से यहाँ पे माइक जो हमारा कैचर है और हमारा साउंड को एम्पलीफाई कर रहा है ईको के साथ तो बहुत ही अच्छा तरह से वर्क कर रहे हैं तो अभी बारी आते यहाँ इसका साउंड किस तरह से है तो इसके साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से इसका साउंड है तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फ़ोन ले लिया और यहाँ पे देख सकते तो हमारा जो यहाँ पे किट है मतलब हमारा जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में सबसे पहले यहाँ पे ब्लूटूथ वाला जो ऑप्शन है जो मूड है उसमें ले जाना होगा तो देख सकते हो तो यहाँ पे ब्लूटूथ मूड में आ गया फिर इसके बाद यहाँ पे अवेलेबल डिवाइस में जब मतलब रिफ्रेश करेंगे तब देख सकते हो तो यहाँ पे टी एस बी टी जीरो जीरो थ्री करके एक आएगा ठीक है तो इसमें कनेक्ट कर लेना होगा तो यहाँ पे फेयर है फेयर कर लेते हैं फेयर हो गया आ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एनसीएस सॉन्ग को प्ले करते हैं तो देख सकते हो अब ये जो साउंड है फिर सबसे पहले एक बात बता देते तो, यहाँ पे जो आ, मतलब सॉन्ग का साउंड है इसको आप इस रिमोट से भी इंक्रीज़ कर सकते हो ये जो हमारा किट है इस किट से भी जो देख सकते हो पॉजिटिव है वी पॉजिटिव मतलब वॉल्यूम पॉजिटिव यहाँ से भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो और ऊपर से जो फ़ोन है इस फ़ोन का जो वॉल्यूम बटन है इसको भी प्रेस करके आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर सकते हो तो मैं सिंपली से ये जो रिमोट है इस रिमोट से ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता हूँ तो देख सकते हो तो इस वॉल्यूम के जरिए फ्रेंड्स ये जो ये जो किट है मैं इसको लोकल मार्केट से परचेस किया हुआ जिसका प्राइस मेरे को पड़ा है ऑन फिफ्टी रुपीज़ और इसको आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो फ्रेंड्स आज के वीडियो कुछ यहाँ तक था वीडियो को अच्छा लगा तो फिर वीडियो को लाइक कर सकते हो नहीं लगा तो फिर डिसलाइक कर सकते हो डिसलाइक क्यों कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तो चले फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए गुड बाय जय हिंद जय भारत